जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवा से शनिवार को शहर शीतलहर की चपेट में रहा। न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। घना कोहरा भी छाया रहा, इससे दृश्यता कम रही। मौसम विभाग ने 7 जनवरी को भी कड़ाके की ठंड के आसार जताए हैं। न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तीव्र दिन शीतल रहेगा, फसलों पर पाला भी पड़ सकता है। 8 से हल्की राहत की उम्मीद है। 9 जनवरी से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। बर्फीली हवा क्षोभ मंडल तक सक्रिय है, इस वजह से वातावरण काफी ठंड हो गया है। कोहरे के कारण धूप नहीं निकल रही है। कोहरे के कारण सूरज आधे दिन की छुट्टी पर है। जब धूप निकलती है तब सर्द हवा का चलना शुरू हो जाता है। 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सर्द हवा चली। दिन में धूप बेअसर हो गया, तीव्र शीतल दिन दर्ज हुआ। धूप में खड़े होने पर भी लोगों को अलाव जलाने पड़ रहे हैं। सूर्य अस्त के बाद ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया। पिछले 4 दिन में 2 दिन शीतल व 2 तीव्र शीतल दिन दर्ज हुए हैं, लेकिन 7 जनवरी को पिछले दिनों की तुलना में ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर आने पर तीव्र शीतलहर चल सकती है। दिन में तीव्र शीतल दिन भी रहेगा। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही दर्ज होगा। कोहरा छाने की वजह से धूप कम निकलेगी। अंचल में इस सीजन का सबसे घना कोहरा रहा। हाईवे व सड़कों पर सुबह ट्रैफिक थमा रहा। कोहरे में दृश्यता 15 मीटर से भी कम थी। जो वाहन सड़कों पर चल रहे थे वे हेडलाइट जलाकर चल रहे थे, लेकिन कोहरे में हेडलाइट भी बहुत कम नजर आ रही थी। कोहरे में ग्वालियर, मुरैना, भिंड सहित अंचल के सभी क्षेत्र रहे।